इंदौर में मानव कल्याण के लिए धर्म पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय विशाल सम्मेलन धर्म धम्म का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से संत समाज के साथ धर्म गुरु हिस्सा लेंगे और धर्म से मानव कल्याण पर अपनी राय रखेंगे। आस्था के महासंगम सेहस 2016 के तहत मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय और इंडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के संयुक्त आयोजन में आध्यात्मिक गुरुओं का आगमन इंदौर में होने जा रहा है। 24 से 26 अक्टूबर तक होने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 100 से अधिक धर्म गुरुओं समेत करीब 1000 विशिष्ट विद्वान शामिल होंगे। मानव जीवन में मूल, जैसे कि हमारे संघर्ष में कुंभ में मंथन होता था, मध्य शासन ने सोचा कि हमको इस प्रकार का मंथन करना चाहिए मुख्य आयोजन के साथ साथ। तो ये कड़ी के अंदर ये दूसरा कार्यक्रम है हो रहा है और ये धर्म को लेके है, पंथों को लेके है और इसका ये इंटरफेथ डायलॉग के रूप में हो रहा है। विश्व के जितने बड़े बड़े धर्म है इसको इंटरफेथ डायलॉग के रूप में हम लोग कर रहे हैं और क्योंकि सांची विश्वविद्यालय को ये दायित्व दिया गया है मध्य शासन के द्वारा इस पर सम्मेलन करता है। उस प्रदूषण के निवारण के लिए धर्म किस प्रकार से सहायक हो सकता है इस पर भी हम विचार करेंगे। समाज में जो विषमता है, विषमता जो है वह चाहे वह जातिगत हो चाहे वह लिंगगत हो, उस विषमताओं को धर्म के माध्यम से कैसे दूर किया जाए इस पर भी इस सम्मेलन में विचार विमर्श होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में धर्मों और धर्म ग्रंथों से अवगत करवाने के लिए अमेरिका, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर सहित 29 से अधिक देशों से धर्मगुरु अपनी राय रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।